नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के कार्यों में हो रही लापरवाही, लाखों रुपए की लागत से बनने वाला पर्यटन कार्य पड़ा लावारिस। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भोपाल द्वारा लाखों रुपए की लागत से निर्माण किए जाने वाले पर्यटक स्थलों के नाम से लाखों रुपए के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला ओमकारेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर अंदर वन परिक्षेत्र गुंजारी गांव के पास पर्यटक स्थल का कार्य किया जाता है, जो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग भोपाल का कार्य है, जिसे संचना कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, जिसमें ना तो उच्च क्वालिटी की गिट्टी है और ना ही क्वालिटीदार रेत उपयोग में लाई जा रही है। यहाँ पर जो गिफ्ट ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही है उसमें 20 mm के नाम पर डस्ट मिली हुई है। गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, रेती एकदम घटिया क्वालिटी की उपयोग में लाई जा रही है, इसमें रेती काम और मिट्टी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा यह कार्य दलदल में किया जा रहा है, जहाँ पर सीमेंट कंक्रीट नीचे जमीन समतल करने के लिए कंक्रीट मसाले से बेस बनाया जाना था, किंतु यहाँ पर कार्य की लागत में फ़ायदा देखते हुए ठेकेदार केवल मोटी गिट्टी दलदल में डालकर दीवारों का कार्य किया जा रहा है, जबकि यह दीवार यात्रियों को घूमने के लिए जो रोड बनाया जा रहा है, यह दीवार उस रोड को दलदल में धंसने से बचाने के लिए बनाई जा रही है, जिसमें उच्च क्वालिटी का मटेरियल उपयोग किया जाना था, जबकि उस रोड पर जो मुर्रम डाली जा रही है वह मुर्रम भी मिट्टी से परिपूर्ण है और मुर्रम भी वही वन परिक्षेत्र से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी ना तो रॉयल्टी है ना ही कोई शासकीय टैक्स रसीद, जिसकी कार्रवाई करने आज तक कोई नहीं पहुँचा। वहाँ पर रोड का कार्य भी लापरवाही से परिपूर्ण है, भ्रष्टाचारी से परिपूर्ण है, जो पानी लगने पर बिना वजनी वाहन के धंस सकती है। सोचने वाली बात यह है कि मजदूर अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं, या यहाँ ना तो कोई साइड इंचार्ज दिखाई दे रहा है ना ही कोई इंजीनियर। सूचना के अनुसार यह कार्य ठेकेदारों द्वारा कुल लागत से 45% कम की राशि में की जा रही है। इंजीनियर से इस विषय में बात करना चाहे लेकिन इंजीनियर बात करने को तैयार नहीं है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे कार्यों में पर्यटक अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत है, जिसके कारण इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। एमपी न्यूज कास्ट के लिए ओमकारेश्वर से महेंद्र मालवीय की रिपोर्ट। आप राजाराम आप कहाँ के हो? गुलजारी के हो? ये जो पास में गाँव है यही है ना? अरे वहाँ से यहाँ आ गए हम। अच्छा, आप वहीं पर रहते थे? तो ये वहाँ पर क्या काम करते थे आप? मैं दसी दौड़ से। अच्छा, खेत भी था। खेत था है ना? खेत भी डूब गया। डूब गया तो उसका आपको कुछ मिला होगा ना मुआवजा? मिला ना मुआवजा। कितना मिला था? 5 लाख। कितना था खेत? 2.5 एकड़। 3 एकड़। 3 एकड़ का 5 लाख रुपये? अब बनते थे तो 6 लाख, उन्होंने आधे एकड़ का दिया ही नहीं ना। और मिलेंगे दादा, और मिलेंगे, हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो मुरुम यहाँ से निकाली गई, तो ये खुदाई किसने की है? अब क्या मालूम किसने खुदाई है, सब उनको पता नहीं। मशीन चल रही है, ले जा रहा है, डाले उनने खुदाई और उन्हें डाले गई। तो ये मशीन से खुदा के और वहाँ पर ले जा रहे थे ना? हाँ, ट्रैक्टरों से ले जा रहे थे वहाँ पर, है ना? ये कब खुदाई हुई थी कम से कम? दो तीन महीनों से खुदाई हो रही थी यहाँ, है ना? रोका कि क्या मालूम क्या हो गया, फिर वो वहाँ से ला रहे। अच्छा, तो ये जगह तो फॉरेस्ट में आती है ना? अब फॉरेस्ट में है क्या माना, पटेल पूछा, खेत था ये। अच्छा, खेत था ये, है ना? और ये बेड़ा जो है ये फॉरेस्ट में था? कहाँ लगे यहाँ तक मेरे? अच्छा, वन क्षेत्र में आती है ये। तो ये जो ये लोग खुदाई करके ले जाते थे ना? भान डलाड़ी ये जो सामने प्लांट दिख रहा है, इन्हीं ने खुदाई की थी ना? ये तो आपको पता नहीं, पर मैंने खुदा दूसरे खुदा लगा, उन्हीं ने खुदाई की है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार का घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। यह पिलर दलदल के बीचों बीच है और
मटेरियल इस प्रकार है कि हल्की सी खरोच लगने पर भी उसका मटेरियल निकल जा रहा है। तो फिर आगे आप देख सकते हो कि किस प्रकार की इसमें मजबूती रहेगी। चेक करा भैया, रुको, इसको धो दे रहा हूँ, इसको धो दे रहा।